कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया है। बता दें कि कई दिनों से वो भूख हड़ताल पे थे। एसडीएम सुनील नायक ने जूस पिलाकर उनका यह अनशन खत्म करवाया है। बता दें कि कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक के बाद ननकीराम कंवर माने हैं। मामले की निष्पक्ष जाँच का उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर वो लगातार भूख हड़ताल पर थे और अब कलेक्टर ने जूस पिलाकर उनका यह अनशन खत्म करवाया है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भूख हड़ताल को अपना खत्म किया है। कब्जे को लेकर भूख हड़ताल वो कर रहे थे, कब्जा हटाने को लेकर अब उन्हें आश्वासन दिया है। कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक के बाद पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर माने हैं और उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया है। मामले की निष्पक्ष जांच का भी आश्वासन कलेक्टर ने उन्हें दिलाया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भूख हड़ताल पर थे अपनी मांगों को लेकर और अडिग थे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन कल आश्वासन के बाद, निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद और इसके साथ ही कब्जा हटाने पर रोक के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया है। एसडीएम सुनील नायक ने जूस पिलाकर उनका ये अनशन खत्म करवाया। क्षमता के आधार पर, प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर कि तहसीलदार को सस्पेंड करो, नहीं तो पटवारी है उसको सस्पेंड करो, इसमें क्या जांच करने की जरूरत? और नहीं समझते तो कुर्सी छोड़े, और नहीं तो भूपेश बघेल ऐसे मंत्री को हटाए।